सलाम आदाब दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों जुमा मुबारक। सही बात है, आज तो जुमा है। कुछ वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त कैसे गुजर जाता है याद ही नहीं रहता। दिन क्या है, तारीख क्या है, समझ में ही नहीं आता। जब इंसान बिजी रहता है ना, यही होता है। अच्छा वैसे दोस्तों, आपने कल की वीडियो देखा, बहुत ज्यादा उसको प्यार दिया, थैंक यू सो मच। आज जुमा है तो पहले तो जुमा की तैयारी करना है, उसके बाद कहीं जाऊंगा जुमा पढ़ने के बाद। आ जा। ये देखिए माशाल्लाह, इसको धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हमारी प्यारी गुड़िया है, हमारी भतीजी, ये घर में एकदम शोर मचा के रखी है। बहुत अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं। आप लोग देखिए, बादल बहुत हल्के हैं और ज़्यादातर आसमान खुला हुआ है, सूरज अपने आप उताप से एकदम चमक रहा है। आज जुमा का दिन था, इसकी वजह से आए थे गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी ये जस्ट नमाज़ पढ़ के निकले हैं। जुमा का दिन ही एक ऐसा दिन होता है कि जो मैं ख़ास तौर से गांव में आ जाता हूं। अगर उस दिन कहीं और रहता हूं तो भी गांव में नहीं आ पाता हूं। यानी कभी कभी हो जाता है 15-15, 20-20 दिन हो जाता है, महीने के करीब हो जाता है जब मैं गाँव में आता हूं। लेकिन आके अच्छा लगता है क्योंकि यहीं से जुड़े हैं, यहीं के असल हैं और यहीं पर हमारा पुराना घर है। जुमा के दिन बहुत अच्छा लगता है। जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि हमें खिलाने के लिए ना, हाँ उसी के बदले में खा लीजिए। मैं स्कूल में गया था, मेरे सर लोग पूछ रहे थे कि खिलाए कि नहीं खिलाए सर। अच्छा ये बताओ, वीडियो सब लोग देखे कि नहीं? सब लोग देखे थे, मेरे स्कूल वाले सब लोग देखे थे, लाइक करते सब्सक्राइब करे थे। चलो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारी तो बहुत वांट होगी भैया। सब लोग कहते हैं क्या कि तुम आर्मी वाले उस दिन आइसक्रीम खा रहे, सब कह रहे थे कि आर्मी वाला आइसक्रीम खा रहा है। अरे वाह भाई, ये तो अभी तो फेमस हो गया, आर्मी वाला आइसक्रीम खा रहा है। हमारा भतीजा तो सेलिब्रिटी बन गया भैया, माशाल्लाह। मैंने इनसे बोला था ना कि स्कूल लेकर आया हूँ, कुछ मिठाई तो खिलाओ, तो आज बेचारा केक खिलाया है। बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच बेटा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जुमा के दिन बहुत अच्छा लगता है। जुमा की नमाज़ पढ़कर आते हैं, उसके बाद जब कुछ काम करते हैं ना तो उस काम में मन भी लगता है। जुमा की नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता। और हम लोग के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो कोटला मार्केट होती है, जहाँ पे हमारी शॉप है, वो फ्राइडे यानी जुमा के दिन ही क्लोज रहती है, जिसकी वजह से हमको शॉप पर नहीं जाना पड़ता है। फुल अच्छे से तैयारी करते हैं जुमा पढ़ने की, जुमा पढ़ के आते हैं, फिर कहीं हम लोग निकलते हैं मार्केट करने या घूमने के लिए। दोस्तों ये है आज़मगढ़ का मशहूर कॉलेज APS, आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत वीडियो है, आप लोग ये वीडियो ज़रूर जाके देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए चेक पोस्ट पर। ये है आज़मगढ़ और शाहगंज का तिराहा, समझ लीजिए। इस साइड आप जाएंगे तो चले जाएंगे सरामीर होते हुए शाहगंज और फिर लखनऊ। आप सीधे जाएंगे तो ये आज़मगढ़ जाएंगे, इसके अपोजिट साइड में आप बनारस और जौनपुर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ की दाल फ्राई बहुत ज़्यादा मशहूर थी, अभी भी होगी, लेकिन 10 साल के करीब तो हो ही चुका होगा कि हम लोग यहाँ पे आए ही नहीं, क्योंकि अभी दाल फ्राई अच्छी ही नहीं लगती, अभी सिर्फ चिकन फ्राई अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये है रानी की सराय का हाल। पूरा रानी की सराय बुरी तरीके से तोड़ दिए हैं, यानी यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, पूरी मार्केट एकदम खत्म हो चुकी है, रोड बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है। अच्छा आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, ये रोड आजमगढ़ बनारस का हाईवे वाला रोड नहीं है, ये रोड है आजमगढ़ जौनपुर वाला, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज आई है, जो भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मेन रोड होता है उसको 4 लेन हाईवे बनाना है। मतलब आजमगढ़ शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और जौनपुर शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसलिए ये रोड बनाया गया है। बहुत अच्छा रोड बन रहा है और मैं जौनपुर भी गया था, जौनपुर की भी वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो हाईवे देखिए, बड़ा खूबसूरत हाईवे बना है, देख के आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गया था शहीद द्वारा पे किसी काम से, वो काम हुआ नहीं तो वापस रिटर्न चला आया और यहाँ पे नज़र पड़ते ही रुक गया। इस जगह मैं मौजूद हूँ सिरसाल गांव के एक छोटे से स्ट्रीट फूड कॉर्नर पे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एकदम मुंबईया स्टाइल में मिलता है छोला और फुल्की वगैरह। जो फुल्की होती है ना, पानी पूरी जिसको बोलते हैं, पानी पूरी के अलावा ये लोग दही पूरी देते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हम लोग बार बार यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। चलिए आज आप लोग को दिखाता हूँ। छोटी जगह आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कोटला से अपनी दुकान छोड़ के यहाँ पे खाने के लिए, हम लोग भी आया करते हैं। ये मीठा पानी डाल रहे भाई? ये मीठा चटनी है। मीठा चटनी, अच्छा मीठा पानी नहीं है। ये देखिए दही है। अच्छा खुद ये दही बनाते हैं आप? हाँ।
खुद बनाते हैं, मतलब ये रेडीमेड दही नहीं है, तो इसका जो फ्लेवर है वो देसी फ्लेवर है, गांव वाला स्टाइल। भले से शहर वाली है लेकिन सारा फ्लेवर, सारी चीज़ें देसी है, एकदम गांव वाली। खा के मतलब मस्त हो जाएंगे आप लोग, ये ज़रूर आइए आप लोग, अगर आसपास के सिरसाल में ज़रूर आइएगा। एक्चुअली ये लोग पहले मुंबई में ही काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से ये लोग चले आए यहाँ पे। आप कहाँ मुंबई में काम करते थे बताइए? क्रॉफर्ड मार्केट में काम करते थे, बताइए कितने साल? मैं नहीं करता था, मेरे पापा को। और कितने साल उन्होंने काम किया? हो गया होगा 20-25 साल। 20-25 साल तक कंटिन्यू करते थे। अभी पापा नहीं है, कहीं गए हैं, वरना मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझको जानते हैं अच्छे से। चले मेरा प्लेट तो रेडी हो गया, आप लोगों के लिए टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। वैसे मैं तो जानता हूँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह से बहुत ज्यादा अच्छा। अरे इधर देखिए, ये भी खाना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था कि लोग आते हैं भाई खाने के लिए, खा लो, तुम भी टेस्ट करो बताओ कैसा है। ये खाए कि नहीं? इससे पहले खाए बताइए, हर कोई खाता है ना, मस्त है, एक नंबर मुंबईया टेस्ट है एकदम। अगर आप लोग मुंबई में, अगर आप लोग मुंबई में ये खाए हैं तो यहाँ पे खाने के बाद आप लोग मुंबई को भूल जाएंगे। ये देखिए लोग दही पूरी के अलावा सादा पूरी भी खाते हैं, सेव पूरी जिसको आमतौर से बोलते हैं ना, इसको यहाँ पे लोग बोले सादा पूरी दे दो भाई। मुंबई वाली चीज खिला रहे तो मुंबईया स्टाइल में खिलाओ, एक सूखा खिला दीजिए। मुंबईया लोग कितना भी खा लेते हैं सूखा जरूर मांगते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा मुंह का टेस्ट होता है चेंज हो जाता है। और आप लोग को लोकेशन बता देता हूँ, ये सिरसाल में जब आएंगे आप, ये बड़ा वाला जो घर है उसी के जस्ट अपोजिट में छोटी सी कुटिया में ये लोग बैठते हैं और 3 बजे के बाद मिलते हैं और शाम 6-7 बजे तक इनका कार्यक्रम सारा समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस वक्त घर पे आ चुका हूँ, शाम के बज रहे हैं 6। 4 से 5 मिनट की वीडियो आप जो देखते हैं उसके पीछे कम से कम 10 से 12 घंटे का वक्त लगता है मेरा, फिर जाके आप लोग एक वीडियो देखते हैं। तो बस मेरे मुश्किल काम को अगर आपको आसान बनाना है तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हर वीडियो को लाइक करते हैं और हर वीडियो पर वो सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक मरतबा सब्सक्राइब कर दिया और सब्सक्राइब जो बटन है वो रेड से टर्न हो गई है ग्रे कलर की, उसके बाद आपको उसको दोबारा क्लिक नहीं करना है। हर वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एक मरतबा और उस पर कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जितना चाहे, लेकिन बार बार आप सब्सक्राइब की बटन नहीं दबा सकते। सो दोस्तों एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू लवली पीपल।